Hello, and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4 दिसंबर की करंट अफेयर्स. ये वीडियो आपको रोज़ाना 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाया करेंगी. अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो. आप जो भी एस्पिरेंट्स हो, जिस भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए ये करंट अफेयर्स आप प्रेफर कर सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस रेड बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड इस बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाया करेंगी. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शहर में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में. और ये किया गया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा. ठीक है, देखिए, संविधान दिवस को एक चिन्हित करने को, मतलब एक यादगार बनाने के रूप में इस अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन दिवस का उद्घाटन किया गया है. तो इसमें संविधान दिवस को याद किया गया एक तरह से. जैसे कि हम सभी जानते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस, ये दोनों चीज़ें हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं. एंड तो यही कि 26 नवंबर को देश के जो हमारा संविधान है को अपनाए जाने वाले दिन को चिन्हित करने के रूप में इसे मनाया जाता है. एंड केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2015 को डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के वर्ष के दौरान इन्होंने राजपत्र दिवस के रूप में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के रूप में ये घोषित किया था. तो यही है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का हमने मनाया किस लिए है, एक याद के तौर पे, कि संविधान दिवस को भी एक हिस्से के रूप में ये चिन्हित कर रहा है. और ये हुआ कहाँ, ये दिल्ली में हुआ है. इसका उद्घाटन हुआ है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा. तो हमारे ऑप्शन हो गए ए, दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके साथ ही साथ आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो कि दिल्ली के आपके मुख्यमंत्री कौन है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी. एंड यहाँ के गवर्नर है अनिल बैजल. ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर में खसर महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? खसर महोत्सव संपन्न हुआ, नागपुर में हुआ, और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा, जो कि हमारे शिपिंग, भूतल परिवहन और गंगा कायाकल्प के मंत्री हैं. ठीक है, और देखिए, वहाँ की जो एक शारीरिक शिक्षा की ईश्वर देशमुख कॉलेज है, वहाँ उन्होंने ये खसदर महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है. तो ये ध्यान रखिएगा कि नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया. हमारा ऑप्शन हो जाते हैं ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, किस शहर में वैश्विक कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया गया है? तो वैश्विक कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन ये हुई थी, इसका उद्घाटन किया गया है हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी के द्वारा. और ये झारखंड के रांची शहर में हुआ है. तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी, क्योंकि चूँकि मैंने यहाँ शहर की बात की है तो राज्य आप समझ सकते हैं, मतलब ये झारखंड में हुआ है. ठीक है, और झारखंड के रांची शहर में ये हुआ है, और ये 2 दिनों का था. और इसमें ओवरऑल वैश्विक कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन थी, जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है. इसमें ओवरऑल इन्होंने कृषि में कैसे इम्प्रूवमेंट होगी और खाद्य प्रसंस्करण के केंद्र बनाए जाएंगे, और उन्होंने कहा है कि 2022 तक ऐसी तकनीक लाई जाएगी जिससे किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी हो जाएंगी. और इन्होंने ये भी कहा है कि वो एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च करेंगे, जिससे क्या होगा कि कृषि से रिलेटेड जितनी भी, खेती से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, उस मोबाइल फ़ोन के जरिए किसानों को ईजिली मिल जाया करेंगी. और इनका ये कोशिश रहेगा कि 2019 से 2022 21 के बीच में ये मोबाइल फ़ोन वो वितरण कर दे किसानों को, ताकि उन्हें कृषि में हेल्प हो, उनकी आय दुगनी हो. तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इस कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन में कही गई है. इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, झारखंड में. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी, झारखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, इसमें आप एक चीज़ याद रख सकते हो, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे कृषि, मतलब केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, राधा मोहन सिंह जी. और यहाँ झारखंड की बात आ रही है, तो झारखंड से आप याद रख सकते हो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, और वहाँ के गवर्नर है दुर्दारी मुर्मू. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, कौन देश में एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ है? वो कौन सा देश है जहाँ एशिया प्रशांत शिखर का शिखर सम्मेलन 2018, मतलब इस साल का, आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में. हमारे ऑप्शन हो जाती है बी, नेपाल. ठीक है, देखिए, ये 1 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया, ये 2 दिनों का था, और ये हुई है नेपाल की राजधानी काठमांडू में. यहाँ मैंने देश की बात की है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, नेपाल.
एंड आप देखिए इसमें क्या होता है कि इंडिया, हमारी इंडिया तो इसमें थी ही, और इंडिया के साथ साथ 45 अन्य देशों में इसमें हिस्सा लिया है और 1500 पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने इसमें भाग लिया है। और इस एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि देश में कैसे शांति, विकास, सुशासन, जितनी ये सारी व्यवस्था है उन्हें कैसे माने और भी उसमें इम्प्रूवमेंट की जाए और उसे अच्छे से चलाया जाए ताकि लोगों की भलाई हो सके। तो इन सब बातों पे चर्चा हुई है। और जैसा कि हमारा ऑप्शन होता है बी नेपाल, तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने किस देश में ट्रेगेट इंस्टेंट पेमेंट निपटान नामक एक नई पेन यूरोपीय स्मार्टफोन भुगतान प्रणाली लॉन्च की है? देखिए ये एक तरह का स्मार्टफोन है जिसे आप टिप्स कह सकते हो। इसका फुल फॉर्म यही है, TIPS, टिप्स, ठीक है, जिसका ये शॉर्टकट हो गया। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रेगेट इंस्टेंट पेमेंट निपटान, दैट इज कॉल्ड टिप्स। तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये हुआ है, जैसे कि यहाँ बात हो रही है कि ये किस देश में हुई है, तो ये हुई है रोम में। तो हमारे ऑप्शन तो हो जाते हैं ए रोम। अब हम ये जान लेते हैं कि ये ट्रेगेट इंस्टेंट पेमेंट निपटान, जिसे हम TIPS टिप्स भी कह सकते हो आप, तो ये जो TIPS है इसका यूज़ क्या है? देखिए सेकेंड सेकेंड की भी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक सेकेंड के अंदर में आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसमें कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई है, तो ये रोम में हुआ है। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किसको ISSF के उपाध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि ये पहले भारतीय हैं जो ISSF के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है रणिंदर सिंह। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी रणिंदर सिंह, ठीक है, और ये उपाध्यक्ष चुने गए हैं। वर्तमान में ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और देखिए जैसा कि हम जान रहे हैं ISSF मतलब अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त हुए हैं, और ये पहले भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी रणिंदर सिंह, इनका नाम है रणिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? वो कौन से शख्स है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है AS राजीव। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं CAS राजीव, ठीक है, यही MD मतलब प्रबंध निदेशक और CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल स्काई नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डिजिटल स्काई एक तरह का पोर्टल है, ठीक है, ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो डिजिटल स्काई पोर्टल जो है, डिजिटल स्काई इसका नाम है, और ये हुआ है हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु जी के द्वारा, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए? बी सुरेश प्रभु जी, इन्होंने डिजिटल स्काई नामक पोर्टल को के बारे में इन्होंने घोषणा की है। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि जो कि देश में ड्रोन ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन पंजीकरण विधि है, तो ये ड्रोन से रिलेटेड है। डिजिटल स्काई जो है ये ड्रोन से रिलेटेड है। अब देखो होता क्या है, कानूनी तौर पे जो नैनो ड्रोन होते हैं, नैनो मतलब छोटे, ठीक है, तो जो नैनो ड्रोन होते हैं वो पहले ही उड़ान भरना शुरू कर सकते हैं। मगर यहाँ बात आती है कि मान लीजिए नैनो ड्रोन से भी जो बहुत बहुत ही सूक्ष्म रूप में बहुत ही छोटे हैं, तो उसके आकार और उपरोक्त श्रेणियों के लिए ड्रोन के लिए ऑपरेटर को डिजिटल स्काई पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। तो ठीक है, ये इनके पंजीकरण के लिए इसे लॉन्च किया गया डिजिटल स्काई। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर डिजिटल स्काई की बात आती है तो ये ड्रोन से रिलेटेड है। ड्रोन में भी नैनो ड्रोन को तो परमिशन है, लेकिन हाँ अगर उससे सूक्ष्म की बात आती है तब इन्हें इसमें पंजीकरण करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो जस्ट आपको जान के रखनी है, और ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि हमारे सुरेश प्रभु जी हैं उनके द्वारा लॉन्च की गई है, हमारे उन्होंने इसके बारे में घोषणा की है। तो ये ऑप्शन हो जाते हैं बी। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किस महिला सुरक्षा सुविधा की घोषणा की है? अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि हमारे होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इन्होंने एक, ये कह सकते हो इन्होंने भी एक चीज की घोषणा की है। ये क्या करेगा? ये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये है क्या? देखिए इन्होंने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में
वहाँ जो हमारे होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी ने एक एकल भारत ऐप जिसका नाम है 112 इंडिया, 112 इंडिया, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन तो है ए, इस ऐप के बारे में इन्होंने घोषणा की है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली से जुड़ा हुआ है और विशेष रूप से इमरजेंसी महिलाओं के लिए। मान लीजिए कोई आपातकालीन स्थिति में अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा परेशानी में है ना, तो इस ऐप की सुविधा से वो अपने नज़दीकी क्षेत्रों में इस ऐप की मदद से मतलब ये सहायता प्राप्त करेगा आपको, और जीपीएस की मदद से उस महिला को ढूंढने और ट्रैक करने में आसानी होगी। तो इसके लिए ये किया गया, ये चीज़ याद रखना है कि ये हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये महिला सुरक्षा सुविधा की घोषणा की गई है, और इसका नाम आप याद रखिएगा 112 इंडिया, ये नहीं भूलना है हमें, 112 इंडिया। इसमें क्या है ना कि जितनी भी महिलाएं हैं पुलिस स्वास्थ्य और जितने भी अग्रिम विभागों के साथ 112 एजेंसी से तत्काल सहायता प्राप्त करने में सक्षम होगी। 112 इंडिया का मतलब 112 एजेंसीज इसमें जुड़ी हुई हैं कि आपातकालीन ऐसे भी कोई भी ऐसी स्थिति आती है जो महिला के लिए आपत्तिजनक है, तो उसमें 112 एजेंसी से उन्हें तुरंत हेल्प मिलेगी, जीपीएस के थ्रू उन्हें ट्रैक करने ढूंढने में भी मदद मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थे आपको ध्यान रखनी है। और जैसे कि हमने ये बात की है कि ये नागालैंड कोहिमा में इसे घोषणा की गई है, तो नागालैंड में आप ये जान सकते हो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है नीफू रियो और वहाँ के गवर्नर है पद्मनाम आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2018 का पीपुल्स वर्ड घोषित किया गया है? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम की जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उनके द्वारा जो पीपल वर्ड ऑफ द ईयर मतलब दो हजार देखिए हर साल ना वो एक वर्ड को चुनते हैं, ठीक है, थीके? जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है वो उस वर्ड को टारगेट करते हैं। तो इस बार पीपल्स वर्ड ऑफ ईयर जो थी वो उन्होंने चुना है नोमोफोबिया को, ऑप्शन है ए नोमोफोबिया। अब मैं तो ये तो चीज़ें क्लियर हो गई कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा इस बार का मतलब इस बार का पीपल्स वर्ड घोषित कौन हुआ है, तो ये हो गया हमारे नोमोफोबिया। अब नोमोफोबिया का मतलब क्या है, जिसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कि आजकल है ना कि मोबाइल फ़ोन का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन के बिना लोग 1 मिनट भी नहीं टिकते हैं, तो बस यही है कि अपने मोबाइल फ़ोन के बिना ना होने पर विचार से डर आना या चिंता होना, या इसका मान लीजिए आप अपने फ़ोन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसे अभी आप उपयोग करने में असमर्थ हैं, तो एक टेंशन बने रहती है कि मेरा फ़ोन कहाँ है, इस तरह का इसका ही मतलब होता है नोमोफोबिया। तो इसे ही 2018 का पीपल्स वर्ड घोषित किया गया है, ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। भारत की कौन सी इंजन रहित ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल रन पूरा किया है? ये भारत की कौन सी इंजन रहित ट्रेन है, ठीक है, और इन्होंने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने ट्रायल को पूरा कर लिया है, तो ये है ट्रेन 18, हमारे ऑप्शन है सी ट्रेन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने ट्रांस फैट के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस नाम से अभियान शुरू किया है? तो देखिए जैसे कि हम यहाँ जान रहे हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा उन्होंने इसे लॉन्च किया। अब ये क्या है, ये ट्रांस फैट के जो जितने भी बुरे प्रभाव होते हैं ना उससे वो लोगों को जागरूक करेगा, तो इसका नाम है हार्ट अटैक रिवाइंड, ऑप्शन हो जाते हैं ए हार्ट अटैक रिवाइंड, ठीक है। ये अभियान का नाम है हार्ट अटैक रिवाइंड, और इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, इसमें हमारे ऑप्शन थे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमने मनाया है 2 दिसंबर को, और जिस जैसा कि हम जान रहे हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो जितने भी तकनीकी कौशल जो है ना उसके विकास को और प्रोत्साहित करना है, हमें हर तरह से हर चीज़ें डिजिटल करनी है, ऑनलाइन है, अब कंप्यूटर का यूज़ तो उसी में होता है, तो ये है यही है कि आपकी जो सारी चीज़ें डिजिटल रूप में इम्प्रूवमेंट होती जाए, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस को 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया है, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए 2 दिसंबर। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड एक बात और बता दूं, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो जस्ट वीडियो के नीचे आप टेलीग्राम का लिंक देख सकते हो, आप उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।